दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहे थे कि सर आस्क योर फ्रेंड्स फॉर हेल्प जो ऑप्शन है, इसमें जो फ्रेंड देखने को मिलते हैं उन्हें हम नहीं जानते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, हम उनसे कैसे कॉन्टैक्ट करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो आपका भाई लेके आ चुका है एक न्यू ट्रिक, इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप मौर्या। वीडियो पूरा देखने बाद आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय न लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, आप देख रहे हो टिप्स के। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना फेसबुक का ऑफिशियल ऐप ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है लॉगिन अप्रूवल नीडेड। हो सकता है कि आपको कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन देखने को मिलता हो, लेकिन यहाँ से आप जैसे कंटिन्यू करते हो उसके आगे आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना होता है। देखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि कौन से ऑप्शन से अपने अकाउंट को आप ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इन सभी ऑप्शन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अप्रूव योर लॉगिन ऑन अनदर फोन कंप्यूटर। अगर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आइडेंटिफाई फोटोज ऑफ फ्रेंड्स, ये वाला भी अगर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है आइडेंटिफाई योर रिसेंटली कमेंट, इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन आता है तो कैसे ओपन करना है अपने अकाउंट को, जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं आस्क योर फ्रेंड्स फॉर हेल्प, अगर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप जैसे ही कंटिन्यू करते हो तो उसके बाद में आपको बोला जाता है कलेक्ट कन्फर्मेशन कोड। यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड से कोड कलेक्ट करने होते हैं, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे कोड कलेक्ट किया जाता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे जो आपको फ्रेंड दिखाए जाते हैं, ये 5 फ्रेंड आपको रिकमेंड किए जाते हैं कि इनसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो आपको 5 फ्रेंड दिखाए जाते हैं इनसे आपको कॉन्टैक्ट करना होता है, इनसे कोड कलेक्ट करना होता है, इनसे हेल्प लेनी होती है, तभी आपका ये अकाउंट ओपन हो पाता है। लेकिन आप लोगों का सवाल ये है कि यहाँ पे ये जितने भी फ्रेंड दिखाए जाते हैं आपको, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है, आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तो अपने अकाउंट को कैसे ओपन करोगे? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक, तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जितने भी फ्रेंड आपको देखने को मिलते हैं आपके, अगर इन्हें आप नहीं जानते हो, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है, इनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको देखिए क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर बैक कर लेना है। तो देखिए अब हम फिर से लॉगिन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ट्रिक है, अगर आप उसे यूज़ करते हो तो अपना अकाउंट ओपन कर पाओगे। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जैसे हम अपना मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो फिर से हमें वही देखने को मिलता है लॉगिन अप्रूवल नीडेड, हम यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास ये वाले जो सभी ऑप्शन हैं देखने को नहीं मिल रहे हैं, केवल आपको आस्क योर फ्रेंड्स फॉर वाला ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है केवल आपको यही ऑप्शन देखने को मिल रहा है और ये बाकी के ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, और आप इस ऑप्शन से अपने अकाउंट को भी ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टिक करना है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है, फिर से आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ऐसे ही आपको बैक आना है और फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू करना है। ऐसे आप बार बार इसको बैक करते हो, कंटिन्यू करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है डिसेबल हो जाता है और 24 घंटे या 48 बाद इस ऑप्शन को चेंज करके दूसरा ऑप्शन आपको दिखाया जाता है। हो सकता है यहाँ पे आपको अपलोड आईडी वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाए, या फिर आपको कमेंट वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाए, यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। जब तक आपका ये ऑप्शन यहाँ पर चेंज नहीं होता है, आपको बार बार यही रिपीट करना है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर फिर आपको टिक करना है, कंटिन्यू करना है, फिर से आपको बैक करना है, फिर से आपको यहाँ पर टिक करना है और कंटिन्यू करना है, तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को चेंज करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।